हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं संजीत और आप देख रहे हैं डिजिटल एक्सप्रेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिल्मोरा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ एडवांस्ड ऑप्शन के बारे में। ऐसे तो फिल्मोरा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर हमें बहुत सारे एडवांस्ड ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन आज हम जिस एडवांस्ड ऑप्शन के बारे में बात करने वाले हैं वो है क्रॉप जूम एंड पैन। क्रॉप जूम एंड पैन ऑप्शन को हम यूज़ करते हैं, लेकिन इस तीन ऑप्शन को हम कैसे, कहाँ पे और किस तरह से यूज़ करने के बाद हम हमारे वीडियो का जो क्वालिटी है, वीडियो का जो लेवल है, एडिटिंग करने के बाद और भी अच्छा कर सकते हैं। तो वीडियो के कोई भी पार्ट को मिस मत कीजिएगा और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मेरा जो फिल्मोरा का 2 अपलोड था उसको बहुत प्यार दिया है और बहुत पसंद किया है। मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में मैं जो भी ट्यूटोरियल या जो भी वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा आप उसको ज़रूर पसंद करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा होगा, जिस मीडिया फाइल के अंदर हमें हमारे क्रॉप जूम और पैन ऑप्शन को अप्लाई करना है, उस मीडिया फाइल को हमारे मीडिया लाइब्रेरी पे लेके आना है। तो उस फाइल को लाने के लिए हम मीडिया एरिया पे डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने के बाद जो हमारा सैम्पल फाइल है उसको सिलेक्ट करके ओपन करते हैं और उस फाइल को हमारे मीडिया पे इंपोर्ट कर लेते हैं। मीडिया पे फाइल आ गया है, हम उस मीडिया फाइल को अभी हम हमारे जो टाइमलाइन है उसके ऊपर ड्रॉप कर देते हैं। ड्रॉप करने के बाद इस मीडिया फाइल के अंदर जिस पोर्शन को हमें क्रॉप जूम और पैन ऑप्शन अप्लाई करना है उस पोर्शन को पहले हमें सिलेक्ट करना है। क्या होता है जब हम कोई ट्यूटोरियल करते हैं, जैसे कि मैं आपको ट्यूटोरियल दे रहा हूँ, तो कभी कुछ पोर्शन को आपको हमें जूम करके स्क्रीन के ऊपर दिखाना होता है, तो पहले हमें उस पोर्शन को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो हम हमारे प्ले हेड को उस पोर्शन के ऊपर लेके आते हैं जहाँ से हमें उस पोर्शन को जूम करके स्क्रीन के ऊपर दिखाना है। तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेता, स्टार्टिंग पॉइंट मेरा यहाँ पे है। यहाँ पे प्ले हेड लाने के बाद मैं इसको स्प्लिट कर देता हूँ। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया है। अभी हम जहाँ तक, जिस लेंथ तक हमें उस पोर्शन को जूम करके रखना है, उस एरिया का जो एंड है उस एंड पोर्शन को भी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद प्ले हेड को उसके ऊपर ला के इसको भी हम यहाँ पे स्प्लिट कर लेंगे। तो अभी हमें हमारे उस पोर्शन को मिल गया है जिस पोर्शन को हमें जूम करके स्क्रीन के ऊपर दिखाना है। इसके बाद इस पोर्शन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करके जो क्रॉप और जूम का जो डायलॉग बॉक्स होता है उसके ऊपर हमें जाना है। तो वहाँ पे जाने के लिए हमारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शन मिल जाएगा। जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है जो यहाँ पे आइकन बना हुआ है जो क्रॉप का, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा ये जो क्रॉप एंड जूम का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है, हम माउस बटन से राइट क्लिक करेंगे तो क्रॉप एंड जूम का ऑप्शन हमें यहाँ पे दिखाई देगा। और थर्ड ऑप्शन है, हम शॉर्टकट की जो ऑल्ट प्लस सी भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम फिलहाल क्रॉप एंड जूम पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे सामने क्रॉप एंड जूम का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा। सबसे पहला ऑप्शन जो है क्रॉप, सेकेंड ऑप्शन है पैन एंड जूम। तो सबसे पहले हमें क्रॉप करना है, कौन सा पोर्शन को हमें जूम करके स्क्रीन के ऊपर लाना है। तो हम पहले क्रॉप कर लेते हैं। क्रॉप करने से पहले जो एस्पेक्ट रेशियो है हमें उस एस्पेक्ट रेशियो को मेंटेन करना है। तो हम ओरिजिनल जो एस्पेक्ट रेशियो है 16:9 हम उसी को यहाँ पे रखेंगे। हम चाहे तो इसको कस्टम भी कर सकते हैं, अलग अलग जगह पे जिस तरह का रिक्वायरमेंट है उस तरह के हिसाब से हम इसको कस्टम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ओरिजिनल रेशियो ले लेता हूँ। इसके बाद हम इसको क्रॉप करते हैं। इतना पोर्शन, इतना एरिया को हमें जूम करके दिखाना है, लेकिन कौन सा पोर्शन को दिखाना है हम यहाँ पे इसको पोजिशनिंग अभी करना है। हम इसको माउस से मूव करके कौन सा पोर्शन को हमें जूम करके दिखाना है उस पोर्शन को हमें इसको पोजिशन कर लेंगे। मैं यहाँ पे एक रेफरेंस ले लेता हूँ। हमें इस पोजीशन को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा और इसको याद रखना पड़ेगा कहाँ पे हमने इसको पोजीशन किया है। जैसे कि मैंने ये जो ऊपर वाला लाइन है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के ऊपर रेफरेंस लेके इसको पोजीशन कर देता हूँ। थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे जो विड्थ है, इस विड्थ को हम या तो याद रखेंगे 580 है, नहीं तो हम इसको हमारे इजीनेस के हिसाब से हम इसको 600 कर देते हैं।
तो इसका साइज थोड़ा एडजस्ट हो जाएगा। तो हमें इसको याद रखना है कि 600, दोनों में से कोई भी वैल्यू हम याद रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 600 वैल्यू को याद रख रहा हूँ। इसके बाद हम इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद अभी हम प्ले करके देखेंगे। प्ले करते हैं, देखिए इस पोर्शन जो है हमारा जूम होकर हमारे सामने आ गया है, जूम होकर आ गया है। जितना पोर्शन हमने सिलेक्ट किया था उतना ही पोर्शन हमारे स्क्रीन के ऊपर जूम होकर आ गया है, और जब एंड होगा तब ये फिर से अपने जगह पे पहुंच जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, जब हम जूम हो रहा है तो ये सडनली हमारे स्क्रीन पे आ रहा है, देखिए सडनली आ रहा है, और जब ख़त्म हो रहा है तब भी ये सडनली वापस जा रहा है। तो इसको भी हम यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, हम ये जो हमारा प्ले हेड है उस प्ले हेड को जहाँ से हमने हमारा जूम शुरू किया है उसके ठीक पहले लेके आएंगे। लाने के बाद हम इस एरिया पे इसको दोबारा स्प्लिट कर देंगे। ऐसे ही जब एंड होता है, एंड के थोड़े बाद हम प्ले हेड को लेके जाएंगे और इस एरिया पे उसको हम स्प्लिट कर देंगे। ये जो दो पोर्शन हमें मिल गया है, हम पहले पोर्शन को क्लिक करेंगे जो एंट्री होगा, राइट क्लिक करेंगे, क्रॉप एंड जूम में जाएंगे। अभी हमें पैन एंड जूम ऑप्शन को यहाँ पे अप्लाई करना है, तो हम पैन एंड जूम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें दो विंडो देखने को मिल रहा है, एक बाहर का विंडो है, एक अंदर का विंडो है। तो सबसे पहले हम ये जो विड्थ था, विड्थ को हम चेंज करेंगे 600 हमने इसमें सेट कर दिया है। अभी हम इसको पोजिशन करेंगे जो पहले हमने किया था, इसको लेके आएंगे मोटा मोटा एडजस्ट करके उस पोजीशन में रखेंगे जो पहले पोर्शन को हमने इसको रखा था। रखने के बाद हम डायरेक्ट ओके कर देंगे। इसके बाद प्ले करके देखेंगे, देखिए हमारा जो जूम हो रहा है कितना स्मूथली यहाँ पे हो रहा है। ऐसे हमें जो एंड वाला पोर्शन है उसके ऊपर भी हमें ये ऑप्शन अप्लाई करना है। एंड पे क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, क्रॉप एंड जूम में जाएंगे, पैन एंड जूम ऑप्शन। इसके बाद हमें ये जो विड्थ है उसको चेंज करना है, लेकिन इससे पहले हमें यहाँ पे रिवर्स का ऑप्शन मिल रहा है कि ये रिवर्स में वापस जाएगा, तो हम पहले उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद जो 600 वैल्यू है उसको चेंज कर देते हैं। अब हम इसको पोजीशन करेंगे, हम कॉर्नर पे पोजीशन किए थे करके हम इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद अभी हम देखेंगे हमारा जो एंडिंग होगा, जो जूम ख़त्म होगा तो कितना स्मूथली होगा। यहाँ पे और एक चीज़ हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हम इसको प्ले करके देखेंगे, जो हमारा जूम हुआ तो जूम हो गया है। इस कंडीशन के अंदर अगर हमें मान लीजिए जो यूज़र इंटरफेस ऑप्शन है उसको हमें हाईलाइट करके दिखाना है, तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको जो हमारा प्ले हेड है उस एरिया पे, किसी भी एरिया पे लेके आएंगे जो जूम वाला पोर्शन होगा। लाने के बाद हम टाइल्स पे जाएंगे। टाइल्स पे जाने के बाद हम टाइटल्स में जाएंगे। यहाँ पे कोई भी एक पहला वाला टाइटल्स का डिफ़ॉल्ट टाइटल्स है उसको क्लिक करके हमारे टाइमलाइन के अंदर लेके आएंगे। इसके बाद ये जो टाइटल हमें मिल गया है, हम इसको डबल क्लिक करके एडवांस ऑप्शन में जाएंगे। एडवांस में जाने के बाद ये जो टाइटल्स ऑलरेडी लिखा हुआ इसको हम डिलीट कर देंगे। हम यहाँ पे एक शेप ले लेंगे, कोई भी शेप हम यहाँ पे ले सकते हैं। हम मान लीजिए मैंने इस शेप को यहाँ पे ले लिया। इसके बाद जिस पोर्शन को हमें हाईलाइट करना है उस पोर्शन के ऊपर हमें इसको सेट कर देना है, एडजस्ट कर देना है। यहाँ से हम टेक्स्ट को डिलीट कर देते हैं। इसके बाद इसका जो ये जो शेप है, इस शेप का जो ऑपेसिटी हम इसको चेंज कर सकते हैं। नीचे आएंगे, यहाँ पे शेप फिल अगर चाहिए तो हम इसको फिल को हटा सकते हैं, सिर्फ बाउंड्री यहाँ पे दे सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं इसको शेप फिल को रखूँगा और इसको ऑपेसिटी में इसको कम कर दूँगा, थोड़ा ये और हाईलाइट हो जाएगा। आप कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, ऐसे हम कर सकते हैं। हम इसको रेड कर देते हैं, रेड कलर अच्छा लगता है बहुत। ऑपेसिटी थोड़ा कम भी कर सकते, ज़्यादा कर सकते। अब इसका शेप का बॉर्डर भी हम यहाँ पर दे सकते हैं। साइज चेंज करना पड़ेगा, साइज़ को हम थोड़ा बढ़ा देते हैं तो इसका साइज जो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। कलर हम इसको रेड ही कर देते हैं। ओके, हम अभी हम इसको ओके कर सकते हैं। लेकिन
यहाँ पे एक एनिमेशन का और भी ऑप्शन है, हम इसके ऊपर एनिमेशन भी डाल सकते हैं। एनिमेशन पे क्लिक करेंगे, एनिमेशन पे क्लिक करने के बाद जो भी एनिमेशन आपको अच्छा लगता है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। हम प्ले करके यहाँ पे देख सकते हैं कैसे एनिमेशन आएगा, यह अच्छा नहीं है, हम कोई भी और एनिमेशन यहाँ पे सेट कर लेते हैं, ये भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं पिन होल्ड कर देता हूँ, ठीक है, ये अच्छा है। ओके, हम इसको ओके कर देते हैं। अभी हम ओके करके इसको प्ले करेंगे, देखेंगे ये जूम हुआ, जूम होने के बाद ये हमारा इस पोर्शन हाईलाइट हो गया, लेकिन हमें इस पोर्शन को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। जब जूम शुरू होगा तब से इस एरिया को सेट कर देंगे और यहाँ को और इसको एंड तक एडजस्ट कर देंगे। अभी हम प्ले करके देखते हैं ये हमारा जूम हुआ कितना अच्छा लग रहा है। अब उस एरिया को भी हमने हाईलाइट कर दिया, वो तब तक चलेगा जब तक हमारा ये जूम हमारी स्क्रीन पे रहेगा। जब जूम ख़त्म हो जाएगा ये भी ख़त्म हो जाएगा, ये जूम वापस हो गया है। तो ये था क्रॉप जूम ऑन पैन ऑप्शन, जिसको हम हमारे हिसाब से इसको कस्टमाइज़ करके हमारे वीडियो के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा कि जूम के बाद हम हमारे जो पीछे वाला जो पोर्शन होता है उसको कैसे ब्लर कर सकते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसको हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और आने वाले वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। देखते रहिए डिजिटल एक्सप्रेस।